तो ये हमने इससे पहले सुलासी मजीद फी के तीन बाब पढ़ लिए जिनके शुरू में हमज़ वसल नहीं आता है। उसी का चौथा बाब, चूँकि पांच बाब है सुलासी मजीद फी जिनके शुरू में हमज़ वसल नहीं आता है, उसके पांच बाब है, तीन बाब इससे पहले पढ़ लिए, चौथा बाब जिक्र कर रहे हैं, बाब चहारुम बर वज़्न मुफ़ालतुन। चौथा बाब मुफ़ालतुन के वज़न पर है, किस वज़न पर? मुफ़ालतुन। अब मुफ़ालतुन में भी आप गौर कर लो, शुरू में मीम जायद है ना, और उसके बाद फा, फा तो फा कलमा हो गया, और उसके बाद अलिफ जायद है, फिर आयन कलमा आ गया, फिर उसके बाद लाम कलमा है, उसके बाद ता जायदा है, तो इसमें कुल कितने हरूफ जायद हुए? मीम और फा, फा कलमा से पहले मीम जायद, फा कलमे के बाद अलिफ जायद, और लाम कलमा के बाद ता जायद मजदर में, ठीक है। और इसी का माजी निकालेंगे तो मुफाअला, मुफाअलतुन से फाअला माजी, माजी बनता है इसका फाअला, तो फाअला में फा कलमे के बाद अलिफ जायद है सिर्फ माजी में, ठीक। ये सुलासी मजीद फी है, एक हर्फ जायद तो हुआ ना सुलासी मजीद फी, और शुरू में हमज़े वसल नहीं है, तो सुलासी मजीद फी बे हमज़े वसल का ये चौथा बाब है मुफाअलतुन, ठीक। चू अल मुकातलतु, मुफाअलतुन के वजन पर मुकातलतुन, अलिफ लाम लगाकर दिखा दिया अल मुकातलतु, तो बेटा इस बाब का एक मजदर मुफाअलतुन के वजन पर भी आता है और फ़िआलुन के वजन पर आता है, जैसे कि मुकातलतुन और क़ितालुन, इसीलिए कह रहे हैं चू अल मुकातलतु वल क़ितालु, जैसे कि अल मुकातलतु और अल क़िताल, इसका माना होगा बयक दीगर कारजार करदन, एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ना, एक दूसरे के साथ जंगो जिदाल करना, ठीक। तशरीफ़ु इसकी गर्दान है कातला युकातिलु मुकातलतन व क़ितालन, तो मुकातलतन भी मजदर है और क़ितालन भी मजदर, दोनों मजदर जिक्र कर दिए। कातला उन दोनों ने आपस में क़िताल किया, याद रखना मुफ़ालत के अंदर किसी भी काम के होने के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है, ये मुशारकत पर दलालत करता है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा बा यक दीगर कारजार करदन, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ करेंगे तभी तो मुशारकत होगी ना, अकेला आदमी तो कुछ नहीं, अकेला आदमी अगर करेगा तो मुशारकत ही नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए इसके तमाम बाब जितने भी इसके मसादिर आएंगे ना, तमाम में मुशारकत का माना पाया जाएगा, यानी दो लोग एक काम के करने में शरीक होंगे। जैसे कातला युकातिलु मुकातलतन व क़ितालन, कातला उन्होंने क़िताल किया, युकातिलु वो क़िताल करते हैं, है ना, या कातला उसने क़िताल किया लेकिन किसी के साथ, उसने एक दूसरे के साथ क़िताल किया, युकातिलु वो एक दूसरे के साथ क़िताल करता है, मुकातलतन व क़ितालन फ़हुवा मुकातिल, मुकातिल का माना क़िताल करने वाला, कुतिला फ़िल मजहूल, कुतिला फ़िल माज़ी मजहूल, युकातिलु फ़िल मुज़ारि मजहूल, ठीक है। मुकातलतन व क़ितालन फ़हुवा मुकातलुन, ये सिग़े इसमें मफूल है, तो इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल के दरमियान फ़र्क क्या है कि इसमें फ़ाइल के अंदर जो अलिफ के बाद या लाम से पहले जो ता है वो मकसूर रहेगी और इसमें मफूल के अंदर ता मफतू हो जाएगी, ठीक है। मुकातलुन अलम्रु मिन्हु क़ातिल वन नहीं अनहु ला तो क़ातिल, ठीक। और मसादिर कुछ उससे जिक्र कर रहे हैं जैसे अलमुआक़बतु वल इक़ाबु, अलमुआक़बा वल इक़ाब, बा यक दीगर अजाब कर देना, एक दूसरे को तकलीफ देना, ठीक। उसकी भी वैसी गर्दान कर लेना आक़बा युआक़िबु मुआक़बतन व इक़ाबन फ़हुवा मुआक़िबुन, उउक़िबा युआक़िबु मुआक़बतन व इक़ाबन फ़हुवा मुआक़िबुन, अल-अम्रु मिन्हु आक़िब व नहीं अन्हु ला तो आक़िब, ठीक। मुखादा ऐसे ही एक मजदर दे रहे हैं अलमुखादातु वलखिदाउ, इसका माना होता है धोखा देना, फरेफ्तन धोखा देना, ठीक, वैसे ही गर्दान कर लेना। अलमुलाजमतु वल्लिज़ाम, अलमुलाजमा और अल्लिज़ाम दोनों वजन पर आ रहा है ना मजदर, इसका माना होता है बाहम लाजिम गिरफ्तार, एक दूसरे के साथ लाजिम पकड़ लेना किसी चीज़ को। अलमुबारक बारका युबारको मुबारकतन, बरकत गिरफ्तार, बरकत लेना, क्या माना होता है बरकत लेना, ब खुदाए अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला से, या बकसे या किसी शख्स से, या बच्ची से या किसी चीज़ से। तो ये बाबे मुफ़ालत सुलासी मजीद फी बे हमज़े वसल का चौथा बाब था।
ठीक। बाब पंजुम बर वजन तफाउल, पांचवा बाब तफाउल के वजन पर, किसके वजन पर? तफाउल। अब तफाउल में भी देखो, फाकल में से पहले ता जायद हो गई और फाकल में के बाद अलिफ जायद हो गया और ऐन और लाम आखिर में ही, तो फाकल में से पहले ता और फाकल में के बाद अलिफ ये मजदर में जायद है और माँ इसके माजी में भी यही जायद रहेगा, जैसे कि तफाउल से तफाअला, तो ता फाकल में से पहले जायद हो गई, फाकल में के बाद अलिफ जायद हो गया, यही इसकी पहचान है। तो तफाउल जैसे अत्तकाबुल बयक दीगर रूबरू शुदन, एक दूसरे के साथ रूबरू होना यानी आमने सामने होना, मुकाबला करना, ठीक। तसरीफ इसकी गर्दान, तकाबला यतकाबलो तकाबुलन फहुवा मुतकाबिलुन व तुकूबिला युतकाबलो तकाबुलन फहुवा मुतकाबिलुन। तो देखो ये बाबे मुफालत हो या बाबे तफाउल, दोनों से साहिब किताब ने माजी मजहूल मुजार मजहूल बनाकर दिखाया। ये इससे इशारा है इस बात की तरफ कि इन मसादिर से जो भी ये इन बाबों से जो मजदर है ना वो मुतादी आता है ना, क्योंकि मुतादी ही से मजहूल बनता है, तो ये मजहूल की गर्दान करके इशारा कर दिया इस बात की तरफ कि इनसे ये क्या है, मुतादी है मसादिर, ठीक। फरमाया वतुकूबिला युतकाबल तकाबुल फहो मुतकाबल, अलमर बिन हो तकाबल व नहीं अन हो ला तकाबल, ठीक। ला तकाबल असल में ला ततकाबल था, आप जानते हैं कि जिन बाबों के शुरू में दो ता जिन सेगों में जमा हो जाती है उनमें से तकफीफन एक ता को हज़्फ कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर ला ततकाबल ऐसी ततकाबल इनमें एक ता को हज़्फ कर दिया गया है। कुछ मसादिर जिक्र कर रहे हैं जैसे कि अतखाफुत, तखाफुत तफाउल के वजन पर है ना मजदर, इसका माना होता है एक दूसरे से खुफिया तौर से बात करना, है ना, बा यक दीगर सुखन पिनहा गुफ्तन, एक दूसरे से खुफिया बात कहना, ठीक, तखाफुत कहलाता है, हल्के से बात कहना, जैसे तखाफता ये तखाफतु तखाफुतन फहुवा फहुवत मुतखाफितुन, ठीक, ये इसकी गर्दान हो जाएगी। ऐसी तारुफ, इसका माना होता है बायक दीगर शनाख्तन, एक दूसरे को पहचानना, ठीक, इसकी वैसी गर्दान हो जाएगी। अतफाखुर बायक दीगर फख्र करदन, एक दूसरे के साथ फख्र करना। तो यहाँ तक बेटा सुलासी के अबवाब मुकम्मल हुए। सबसे पहले सुलासी मुजर्रद, फिर सबसे पहले फेले मुतसर्रिफ की दो किस्में बताई, एक सुलासी और एक रुबाई, फिर सुलासी और रुबाई में से हर एक की दो दो किस्में बताई, एक वो जिसमें कोई हरफे हरफे जायद ना हो जिसको मुजर्रद कहते हैं, और एक वो जिसमें हरफे जायद भी हो उसको मजीद कहते हैं। तो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, ऐसी रुबाई में भी रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, ठीक है। फिर उसके बाद में साहिब किताब ने कहा था कि सुलासी मुजर्रद के कुछ बाब तो वो हैं जो बहुत इस्तेमाल होते हैं जिनको मुत्तरिद कहा, और उसके पांच बाब बयान किए। फिर उसके बाद कहा कि कुछ बाब वो हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं जिनको शाज कहा, वो कुल तीन बाब बयान किए साहिब किताब ने, ठीक। फिर सुलासी मुजर्रद के ये पांच मुत्तरिद के और तीन शाज के, कुल मिला के आठ बाब मुत्तरिद के वो सुलासी मुजर्रद के हो गए। फिर उसके बाद साहिब किताब ने कहा कि सुलासी मजीद फी, जिसमें कोई हर्फ जायद भी हो, तीन हर्फ तो असली हो और कोई हर्फ जायद भी हो, तो सुलासी मजीद फी के साहिब किताब ने बताए थे कि सुलासी मजीद फी भी दो किस्मों का होता है, एक सुलासी मजीद फी वो जिसके शुरू में हमज़े वसल आए, एक सुलासी मजीद फी वो जिसके शुरू में हमज़े वसल ना आए। तो सुलासी मजीद फी जिसके शुरू में हमज़े वसल आए उसको सुलासी मजीद फी बा हमज़े वसल कह रहे थे, और जिसके शुरू में हमज़े वसल नहीं आए उसको सुलासी मजीद फी बे हमज़े वसल कह रहे थे। तो सुलासी मजीद फी बा हमज़े वसल के नौ बाब थे, वो भी साहिब किताब ने बयान किए। सुलासी मजीद फी बे हमज़े वसल के पांच बाब थे, उसको भी आज यहाँ तक आपने मुकम्मल कर लिया। तो कुल मिलाकर ये सुलासी मुजर्रद हो या सुलासी मजीद फी, तमाम के अबवाब इससे पहले गुजर गए, सब आपने पढ़ लिए। अब रुबाई जिसमें चार हर्फ असली होते हैं, जिसमें चार हर्फ असली होते हैं,
तो उसे रुबाई कहते हैं। अब उस रुबाई में भी दो तरह की रुबाई होंगे, या तो उसमें कोई हर्फ जायद नहीं होगा तो उसको रुबाई मुजर्रद कहेंगे, और अगर उसमें हर्फ जायद भी कोई हो तो उसको रुबाई मजीद फी कहेंगे। ठीक है, रुबाई मुजर्रद जिसमें कोई हर्फ, चार हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ जायद ना हो वो रुबाई मुजर्रद है। तो रुबाई मुजर्रद का बेटा सिर्फ एक बाब आता है, कितना? एक बाब आता है। हाँ, रुबाई मजीद फी के कई बाब आते हैं। तो रुबाई मुजर्रद सबसे पहले आपको क्या तारीफ करना है, रुबाई की तारीफ करना है। रुबाई किसे कहते हैं? रुबाई कहते हैं उस कलमे को जिसके अंदर चार हर्फ असली हो, उसे रुबाई कहेंगे। ठीक, अब रुबाई की दो किस्में हो गई, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। रुबाई मुजर्रद वो रुबाई होगा जिसके अंदर चार हर्फ असली हो और उन असली के अलावा कोई हर्फ जायद ना हो, उसको रुबाई मुजर्रद कहते हैं। ठीक, फिर और रुबाई मजीद फी उसे कहेंगे जिसके अंदर चार हर्फ असली तो हो लेकिन उन असली के अलावा कोई हर्फ जायद भी हो, तो उनको रुबाई मजीद फी कहते हैं। रुबाई मुजर्रद का मैंने बताया था कि सिर्फ एक बाब आता है फ़अललतुन के वजन पर, कितने, किस वजन पर? फ़अललतुन के वजन पर, जैसे बअसरतुन। ठीक, साहिब किताब यहां पर मजीद फी के बजाय लफ्ज मुनशब का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना माना उसका वही मजीद फी है। तर्जमा लगाते हैं थोड़ा, अम्मा रुबाई नेज बर दो गुनास्त, रहा रुबाई तो उसकी भी तो किस्में हैं, यके मुजर्रद, एक रुबाई मुजर्रद के दरू हर्फ जायद रबाशत। रुबाई मुजर्रद वो होता है जिसके अंदर कोई चार हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ जायद ना हो। दो मुनशब, और रुबाई की दूसरी किस्म है मुनशब यानी मजीद फी के दरू हर्फ जायद बाशत के, जिसके अंदर कोई हरूफ असली के अलावा कोई हर्फ जायद भी हो। अम्मा आके दरू हर्फ जायद रबाशत, रहा वो जिसके अंदर कोई हर्फ जायद ना हो, आरा जिसको रुबाई मुजर्रद कहते कहते आरा यक बाब अस्त, उसका एक बाब है। वही बाब, और ये रुबाई मुजर्रद का जो एक बाब है उस बाब के बारे में बता रहे हैं, ई बाब लाजिम व मुतादी नेजामदास्त, ये बाब लाजिम भी आया है और मुतादी भी आया है, यानी लाजिम और मुतादी दोनों तरह से वो ये बाब आता है। यानी इस बाब पर जो मसादिर आते हैं रुबाई मुजर्रद के वजन पर, फ़अललतुन जो मैंने वजन बताया, इस वजन पर जो भी मसादिर आते हैं जिनको रुबाई मुजर्रद कहते हैं, तो उनमें कोई मसदर ऐसा भी है जो लाजिम होता है और कोई ऐसा भी होगा जो मुतादी भी होता है, तो लाजिम और मुतादी दोनों आते हैं। अब बाब अव्वल की गर्दान करके दिखाएंगे, फरमाते बाब अव्वल बर वजन फ़अललतुन। अब फ़अललतुन में आपको हरूफ असली देखना है, तो जाहिर बात है इसमें तो फा ऐन लाम तीनों हरूफ असली जो है वो लगातार है, अब उसके बाद एक लाम और एक ता उसको जायद मानना पड़ेगा मजदर में, और इसी की माजी में फ़अलला क्या फ़अलला ये माजी बन गया। अब माजी में फ़अलला में देखें तो फा ऐन लाम ये दोनों, ये फा ऐन लाम लाम, बल्कि हाँ ये तो रुबाई है ना, तो रुबाई है तो इसमें तो दोनों लाम क्या है जायद है, वो दोनों लाम असली है, लिहाजा फ़अललतुन में दोनों लाम असली हैं ता जायद है सिर्फ। ठीक, ध्यान रखना माजी में फ़अलला कोई हर्फ माजी के अंदर कोई हर्फ क्या जायद नहीं हुआ। ठीक, तो मुजर्रद हो गया ना, वो तो फ़अललतुन में जो ता है वो ताए मजदर है जो बढ़ाई गई है। ठीक है, असल एतबार जो होगा वो मासी का होगा, मजदर का नहीं होता, ये ध्यान रखना, वरना तो आप मजदर के एतबार से तो कहेंगे कि अरे ये तो मजीद फी हो गया, इसमें तो ता बढ़ गई। नहीं, मजदर का एतबार नहीं होता है, माजी का एतबार होता है कि माजी के हरूफ असली के अलावा कोई हर्फ जायद हो तभी उसको मजीद फी कहेंगे। इसलिए यहाँ पर माजी में बाथरा चारों हर्फ असली है, कोई हर्फ जायद नहीं हुआ चार के अलावा, इसलिए इसको मुजर्रद कह रहे हैं। ठीक, बाब अब्बल बर वजन फ़अललतुन, पहला बाब फ़अललतुन के वजन पर जिसका मजदर आए हैं, जैसे अलबाथरा तो बरगेखतर उभारना, तसरीफ इसकी गर्दान जैसे बाथरा युबाथिर बाथरातन फ़ोहबा मुबासिर व बुअसिरा युबाअसर बाअसरातन फ़ोहबा मुबाअसर अलामिरो मिनहु बाअसिर व नहीं अनहु ला तुबाअसिर। बाअसरा उसने उभारा, युबाअसिर वो उभारता है, बाअसरातन उभारना, मुबाअसिर उठा उभारने वाला है ना, और मुबाअसर
उभारा हुआ, ठीक है। बासिर तू उभार, ला तो बासिर तू मत उभार, ठीक है। उसी से और एक मजदर जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो मुतादी था मजदर जो अभी हमने जिक्र किया। एक है अद्दा हरगजतु बिस्यार गर्दानीदन, अद्दा हरगजतु पलटना, बिस्यार गर्दानीदन बहुत ज़्यादा उलट पलट करना, उलट पलट होना, ठीक है। अल अस्करतु तो दह राजा यु दह रिज दह राजतन, वैसी गर्दान कर लेंगे। अल अस्करतु इसका माना होता है लश्कर साख्तन, लश्कर बनाना। अस्करा यु अस्किरु अस्करतन, ठीक। फहुवा मुअस्किरुन, इस तरीके से। ऐसी अल कंतरतु पुल बस्तन, पुल बनाना। कंतरा यु कंतरु कंतरतन फहुवा मुकंतरुन, ठीक। इस तरीके से गर्दान कर लीजिए। अज़ाफ़रतु अज़ाफ़रतु रंग करदन बज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान से रंग करना, ज़ाफ़रान से रंगना। ज़ाफ़रा युज़ाफ़िरु ज़ाफ़रतन फ़हुवा मुज़ाफ़िरुन, इस तरीके से आप गर्दान कर लीजिए, ठीक है।